सपोज यू आर गिवन अ चांस टू रिपीट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन इन प्लेस ऑफ द गोल्ड फॉइल. हाइड्रोजन इज सॉलिड एट टेम्परेचर बिलो 14 केल्विन. व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सेप्ट एक्सपेक्ट. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, तो वहां पर उन्होंने क्या यूज किया था कि उन्होंने यूज किया था गोल्ड फॉइल को. ठीक है, गोल्ड फॉइल को यूज किया था हमें. ठीक है, क्योंकि गोल्ड फॉइल क्या होती है, बहुत थिन होती है और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं. ठीक है, या प्रोटॉन्स हम कह सकते हैं. तो यहाँ पे इसका यूज किया था, यहाँ ये थिन होती थी. ठीक है, बहुत ज्यादा थिन हो जाती थी और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे. ठीक है, नंबर ऑफ हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स थे. लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि वही एक्सपेरिमेंट अगर हमें करने को मिले और लेकिन अब हम गोल्ड फॉइल की जगह क्या यूज करेंगे, एक सॉलिड हाइड्रोजन की शीट को यूज करेंगे. ठीक है, मतलब हम कहेंगे कि एक थिन शीट ली है हमने, थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन को यूज करेंगे. ठीक है, तो इसके इंस्टेड हमें ये यूज करना है. ठीक है, अब इसके इंस्टेड हमें क्या यूज करना है, थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन. ठीक है, सॉलिड हाइड्रोजन. अब देखिए जैसे कि हम जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1. तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यूज भी क्या होंगी, मिनिमम 1 होगी. ठीक है, मतलब इसमें क्या कितने प्रोटॉन होने वाले हैं, एक ही प्रोटॉन होने वाला है. ठीक है, तो देखिए जब प्रोटॉन एक ही है और गोल्ड फॉइल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, बहुत सारे थे. ठीक है, इसके कंपैरिजन में, ठीक है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में गोल्ड फॉइल में बहुत सारे क्या थे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह थे. ठीक है, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसमें हमने क्या यूज किया था, हमने यूज किया था अल्फा पार्टिकल्स को, और अल्फा पार्टिकल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो जब उन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को किया था तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हुआ था कि वहां पर बहुत सारे डिफ्लेक्शंस हुई थी. ठीक है, गोल्ड फॉइल की वजह से क्या हुआ था, नंबर ऑफ डिफ्लेक्शंस हुई थी, कुछ बाउंस बैक हो रही थी, कुछ डिफ्लेक्ट कर रही थी कुछ एंगल पे, और बहुत ज्यादा से ज्यादा क्या हो रही थी, सीधी जा रही थी. ठीक है, लेकिन अगर हम सॉलिड हाइड्रोजन को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा. ठीक है, तो मैं लिखेंगे कि बाय यूजिंग थिन शीट ऑफ सॉलिड हाइड्रोजन. ठीक है, सॉलिड हाइड्रोजन को अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं. ठीक है, तो क्या होगा कि तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल क्या करेगा कि इसके किसी भी प्रोटॉन के साथ बहुत कम चांसेस हैं कि वो अटैक कर जाए. ठीक है, मतलब उसके साथ वो डिफ्लेक्ट करे. तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल हैव नो डिफ्लेक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी. ठीक है, हैव नो डिफ्लेक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी. ठीक है, और क्या हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हमारी जो सॉलिड हाइड्रोजन की शीट है, थिन शीट है, वो ब्रेक भी हो जाए. ठीक है, तो यही हमारे यहाँ से कंक्लूजन निकलेंगे कि या तो अल्फा पार्टिकल कोई डिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगी क्योंकि वहां पे एक ही प्रोटोन है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड हाइड्रोजन की शीट क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए. ठीक है, और यही हमारा कंप्लीट आंसर है. इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं.